रविवार को पूर्वांचल सभा एवं सिग्मा सॉफ्ट जेल फाउंडेशन की ओर से CKK में रक्तदान एवं चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया तथा मुफ्त दवाइयां बांटी गई। सभा संयोजक मृणाल एवं अध्यक्ष विशंबर पाठक ने बताया कि शिविर में सामान्य अस्पताल सेक्टर 16 चंडीगढ़ के डॉक्टरों की टीम ने 97 यूनिट रक्त एकत्रित किया तथा डाबर धनवंती अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा फ्री मेडिकल चेकअप किया गया। शिविर के मुख्य अतिथि हलका विधायक लतिका शर्मा थी व चंडीगढ़ के पूर्व डिप्टी मेयर अनिल कुमार दुबे वरिष्ठ अतिथि रहे। आज का ब्लड डोनेट कैंप के बारे में, आज हमारा ये पूर्वांचल सभा एवं सिनेमा सौजल फाउंडेशन के सौजन्य से दूसरा रक्तदान सभी संपन्न हो रहा है, जिसमें लगभग 100 के आसपास डोनर अपना ब्लड डोनेट किए हैं और हम लोगों का लक्ष्य है कि जो भी हॉस्पिटल है सरकार, खासतौर से सरकारी हॉस्पिटल, उसमें खून की कमी ना हो, कोई भी भाई खून के बिना ना मरे या उसको कोई दिक्कत ना आए, इसको ध्यान में रखते हुए ये कैंप लगाया गया। साथ में जांच शिविर थी, चिकित्सा जांच शिविर, उसमें हमारे जो भी कंपनी साथी लोग हैं उन्होंने अपना अपना मेडिसिन हमको प्रोवाइड किया। डाबर धनवंतरी के डॉक्टर लोग आए थे, साथ ही हम लोगों ने अभी नेक्स्ट टाइम ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो इस तरह के तमाम जो सामाजिक सरोकार हैं उसके काम किए जा रहे हैं और उद्देश्य यही है कि अपने क्षेत्र का, अपने समाज का, अपने राज्य का, ये जो हरियाणा प्रदेश है उसका उत्थान हो, विकास हो और सरकार के साथ एक सामाजिक जिम्मेदारी उठाते हुए हम लोग भी अपना दायित्व निर्वहन करें।